फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। आज मैं आपको यूपी रिवेन्यू कोड 2006 की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बता रही हूँ, उनको एक्सप्लेन करके बताऊँगी। ये मैंने खुद के अपने नोट्स बनाए हुए हैं, आपको लिखना हो तो प्लीज़ आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस जो मैं आज आपको बताऊँगी। 4-5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ही बताऊँगी। एक्चुअली मेरा गला ख़राब है आज, मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी समझा देती हूँ। प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा और देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर सकते हैं आप। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, एग्रीकल्चरल ईयर की जो डेफिनेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल ईयर क्या है? यूपी रिवेन्यू कोड के अंदर यूपी के हिसाब से सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। यूपी का रिवेन्यू कोड का मतलब है राजस्व कोड है, जिसमें कि आपसे टैक्स लिया जाता है। मतलब जिनकी एग्रीकल्चरल लैंड है या यूपी के अंदर जो रहते हैं लोग, उनकी डेफिनेशंस या उनकी जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो यूपी रिवेन्यू कोड के हिसाब से प्रॉपर्टी पे या एग्रीकल्चरल लैंड पे यूपी रिवेन्यू कोड के ही एप्लीकेबल होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये 2006 का है। इसमें एग्रीकल्चरल की डेफिनेशन तो दी गई है, उसमें है एग्रीकल्चरल ईयर का मतलब होता है मींस द ईयर ऑफ कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई। मतलब ये एग्रीकल्चरल ईयर जो है जुलाई के फर्स्ट से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई को, और ख़त्म होता है 30th डे ऑफ जून, मतलब 30 जून को ख़त्म हो जाता है। जैसे हमारा इंडियन के अंदर इंडियन टैक्सेशन या असेसमेंट ईयर्स वगैरह जो होते हैं हमारे, वो 1 अप्रैल से लेकर टैक्सेशन के लिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होते हैं, वैसे ही एग्रीकल्चरल ईयर को यूपी के अंदर, ये स्पेशली यूपी के लिए है, 1 जुलाई से 30th जून तक ईयर चलता है इनका। अब ये किसने स्टार्ट किया था? ये किया था अकबर ने। अकबर जब आए थे, जब उनका शासन लगा था, स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने अडॉप्ट किया था ये यूनिवर्सल ऑफिशियल ईयर को, यूनिवर्सली जो फॉलो किया जा रहा है उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हार्वेस्ट सीजन के हिसाब से बेटर देन हिजरी ईयर को करेंगे और द हिंदू संवत के हिसाब से करेंगे। तो उन्होंने क्या मतलब हिंदू संवत और हिजरी ईयर के अलावा उन्होंने कहा हार्वेस्ट सीजन के हिसाब से करेंगे। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इसीलिए इसको फसली ईयर बोल दिया था। ये 1555 में स्टार्ट किया था और इसको फसली ईयर बोला था, जो कि स्टार्ट होता है, तो ये यूपी के अंदर 1 जुलाई से 30th जून तक स्टार्ट होता है, तक जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, फसली एग्रीकल्चरल ईयर में द कलेक्शन जो होती है लैंड रिवेन्यू को, जो इकट्ठा किया जाता है, मतलब लैंड के ऊपर आपकी भूमि का कर जो है वो लैंड कलेक्शन मतलब इकट्ठा किया जाता है, वो कैसे करते हैं, ये जो पेमेंट्स होती हैं उसमें रेंट की पेमेंट्स हो गई, या फिर सरेंडर करना है अगर आपको अपनी ज़मीन लैंड को, या इजेक्टमेंट खाली करना है, एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हैं, आर मेड एंड कैलकुलेटेड ऑन द कमेंसमेंट फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फसली ईयर। तो फसली ईयर के हिसाब से, यानी कि 1 जुलाई से ही स्टार्ट होता है और 30 जून तक के बीच में आपका ये सारा का सारा रिवेन्यू इकट्ठा किया जाता है, रेंट्स हैं या ज़मीन खाली करनी है या आपने सरेंडर करनी है, कुछ भी काम करना है। तो इसके अंदर स्पेशली ये बताया गया कि यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है वो इसीलिए ऑपरेशन में आया था विद द कमेंसमेंट ऑफ फसली ईयर 1360 फसली ईयर, जो कि स्टार्ट होता है 1 जुलाई 1952 को स्टार्ट हुआ था। तो ये थी डेफिनेशन एग्रीकल्चरल ईयर की। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि एग्रीकल्चरल ईयर 1 जुलाई से 30th जून तक होता है। ये अकबर ने किया था, 1555 से स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर भी ये तभी स्टार्ट हो गया था, इसको भी 1360 फसली ईयर से स्टार्ट हुआ था ये। अब मैं आपको बोर्ड की डेफिनेशन बताती हूँ। बोर्ड की डेफिनेशन जो है सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 में दी गई है। बोर्ड का मतलब होता है, ये बोर्ड ऑफ रिवेन्यू को बोला जाता है, जिसके अंदर की चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है और ऑल रिवेन्यू मैटर्स के लिए। मतलब ये जो बोर्ड है यही चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी है सारे रिवेन्यूज़ को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, इसी को बोला जाता है। और जो बोर्ड है ये हाईएस्ट रिवेन्यू कोर्ट माना जाता है स्टेट के अंदर। हाईएस्ट रिवेन्यू कोर्ट मतलब राजस्व जो आपसे कर लिया जाता है उसका कोर्ट न्यायालय जो है बोर्ड को ही माना जाता है। इसके अंदर जब
कोई भी अपील नहीं जा सकती। अगर बोर्ड ने कोई डिसीजन दे दिया है तो इसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते अपील के लिए, कोई भी डिसीजन दिया है तो, ठीक है। और बोर्ड ऑफ रिवेन्यू का जो डिसीज़न होता है वो फाइनल होता है। इसमें ये बताया गया कि हाई कोर्ट के अंदर जो रिवेन्यू केसेस आते हैं वो सिर्फ रिट ज्यूरिसडिक्शन के आते हैं, जो कि आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दिया हुआ है, रिट के ही जाएंगे। आप इसमें अपील में वैसे नहीं जा सकते, बोर्ड के डिसीजन के अगेंस्ट अपील में नहीं जा सकते। इसके अंदर बताया है कि इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं बोर्ड के, वो अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और बोर्ड ऑफ रिवेन्यू कंसिस्ट करता है इसके अंदर दो सॉर्ट्स ऑफ मेंबर, दो तरह के मेंबर होते हैं। एक मेंबर होता है जुडिशियल और दूसरे होते हैं मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ऑल आर टेकन ऑन अपॉइंटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से, इनके जो मेंबर्स हैं उसमें से सिलेक्ट किए जाते हैं। स्टेट के अंदर जो भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनमें से ही मेंबर्स बनाए जाते हैं जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, ठीक है। और ये टर्म जो होती है इनकी अपॉइंट की जाती है ऑफिसर्स की, ये कन्फर्म्ड नहीं होती टू द एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल फंक्शंस इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड कैन बी पोस्टेड आउट ऑन असाइनमेंट ऑफ डिफरेंट नेचर की। मतलब आईएएस ऑफिसर्स को आपने सुना होगा, उनको कभी भी आप ट्रांसफ़र कहीं पे भी कर सकते हो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए। जब तक कि उनका काम कंप्लीट नहीं होता तब तक के लिए आप कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, स्पेशल वर्क के लिए भी कर सकते हो। तो उनका कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं होता, उनको जो ड्यूटी दे दी जाती है पोस्ट कर दी, उन्हें वहीं पर असाइनमेंट दे दी जाती है, वो अपना काम वहीं पर खत्म करते हैं। उनका डिफरेंट नेचर होता है, ठीक है। काम का माइट नॉट बी इन्वॉल्व इन डिस्चार्ज ऑफ जुडिशियल वर्क वेन अ जुडिशियल मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। जुडिशियल मेंबर जो है बोर्ड ऑफ रिवेन्यू का अपॉइंट जब किया जाता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, मतलब जुडिशियल मेंबर को अगर आप एडमिन मेंबर की तरह कर रहे हो तो ही कैनॉट डिस्पोज ऑफ जुडिशियल वर्क, तो वो जुडिशियल वर्क को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है। द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ रिवेन्यू जो है, जो पावर है, हैज़ बिन इंक्रीज बाय द यूपी लैंड लॉज। वो बोर्ड ने जो है यूपी लैंड लॉज ने इसकी पावर्स को बढ़ा दिया है अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में जो आया था, एंड नाउ इट कैन ऑल्सो कंट्रोल द जुडिशियल मैटर, नॉन जुडिशियल मैटर्स। तो इसलिए वो नॉन जुडिशियल मैटर्स को भी जो बोर्ड है ये उसको भी हैंडल या टैकल कर सकता है, ठीक है। तो आपको बोर्ड का पता लग गया होगा, हाईएस्ट अथॉरिटी जो है बोर्ड की वही है, बोर्ड को ही बोला जाता है। इसके अंदर अपॉइंटमेंट्स होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल मेंबर्स की। रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए बोर्ड ही हायर अथॉरिटी है। बोर्ड के डिसीजन के खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकते हो। हाई कोर्ट में जो अपील्स जाती हैं रिवेन्यू कोर्ट रिवेन्यू की, वो सिर्फ रिट ज्यूरिसडिक्शन की ही जाती हैं, जिसकी जो आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो ये बोर्ड ही हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो आई थिंक आपको बोर्ड की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी गांव फंड की डेफिनेशन, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से एग्जाम पर्पस के लिए। देखिए गांव फंड और कंसोलिडेटेड गांव फंड, ये दोनों डेफिनेशंस एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दी गई हैं सेक्शन 4 के सब सेक्शन 22 के अंदर, इसके बारे में बताया गया है। गांव फंड क्या होता है देखिए मैं बताती हूँ। गांव का फंड जो है एस्टेब्लिश किया जाता है हर ग्राम सभा के लिए। एक फंड का, एक गांव का ये फंड होता है जिसका नाम दिया गया है गांव फंड, और ये हर ग्राम सभा, गांव के अंदर बहुत सारी ग्राम सभा होती हैं, तो हर ग्राम सभा के अंदर ये गांव फंड के नाम से एक फंड बना दिया गया है, जो इसके अंदर जितना भी पैसा इकट्ठा होता है, ऑल सम्स रिसीव्ड बाय द ग्राम सभा, मतलब ग्राम सभा में जितना भी पैसा आएगा या ग्राम पंचायत में आएगा, और द लैंड मैनेजमेंट कमेटी, यहाँ पे एक लैंड मैनेजमेंट कमेटीज़ भी होती हैं, तो और ग्राम पंचायत भी होती हैं, तो इन सब में जो भी पैसा इकट्ठा आता है वो सारा का सारा क्रेडिट हो जाता है गांव फंड के अंदर, ठीक है। फ्रॉम ट्रांसफर क्रेडिटेबल टू द ग्राम फंड, तो वो ग्राम फंड में चला जाता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ग्राम फंड का इज़ इन द हैंड्स ऑफ भूमि प्रबंधक समिति के पास। भूमि प्रबंधक समिति होती है लैंड मैनेजमेंट कमेटी, भूमि प्रबंधक समिति को इंग्लिश में लैंड मैनेजमेंट कमेटी बोला जाता है। ये सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो होता है वो भूमि प्रबंधक समिति या लैंड मैनेजमेंट कमेटी करती है इनके अंदर, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंट्रोल, जनरल कंट्रोल ऑफ तहसीलदार, इसके अंदर जनरल कंट्रोल जो होता है तहसीलदार का होता है सारा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मनी जो भी विड्रॉ की जाती है फ्रॉम ग्राम फंड यानी गांव फंड को ही ग्राम फंड बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। जो मनी कलेक्ट की जाती है इसमें विड्रॉ करते हैं, मतलब निकाली जाती है अगर ग्राम फंड से, अगर वो तहसीलदार ही निकालता है ऑन द रिक्विजिशन ऑफ विड्रॉल साइंड बाय द चेयरमैन
और एनी मेंबर ऑफ द कमेटी, यानी कि उसको तहसीलदार तभी निकाल सकता है जब उसको ज़रूरत हो, लेकिन उसके ऊपर साइन चेयरमैन के या फिर किसी एनी मेंबर ऑफ द कमेटी का मेंबर जो कि ऑथराइज है इसके लिए साइन करने के लिए, तभी वो जो है निकाल सकता है तहसीलदार, और वो गांव के पर्पज़ के लिए ही, गांव के वेलफेयर के लिए ही निकाल सकता है, फ़ंड को विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, इसमें यही लिखा है, और मेंबर जो ऑथराइज है। इसके अंदर कंसोलिडेटेड गांव फंड की भी डेफिनेशन है। गांव फंड का तो आपको समझ में आ गया होगा, ये गांव फंड जो है गांव के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है, और ग्राम सभा वगैरह से इसके ऊपर लैंड मैनेजमेंट कमेटी का कंट्रोल होता है, और उसके अंडर तहसीलदार है जो काम करता है मेन हेड। लेकिन तहसीलदार को भी विड्रॉ करने के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है गांव फंड के लिए में से पैसा निकालने के लिए, ठीक है, चेयरमैन या मेंबर कमेटी का। तो कंसोलिडेटेड गांव फंड के अंदर क्या है, ये कंस्टिट्यूट की गई थी अंडर सेक्शन 125A ऑफ यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट के अकॉर्डिंग, ये है इसको बनाया गया था कंसोलिडेटेड गांव फंड को। ठीक है, इसमें कहा गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बनेगा कंसोलिडेटेड गांव फंड बनेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड गांव फंड जो है वो हेड उसका फंड एट द हेड क्वार्टर्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर्स के अंदर होगा, एडमिनिस्टर किया जाएगा एंड ऑपरेट किया जाएगा अपॉन बाय द कलेक्टर इन दिस बिहाफ। तो उसमें कलेक्टर जो है हेड होगा, वही कलेक्टर जो है सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसका देखेगा कंसोलिडेटेड गांव फंड का। तो एवरी ग्राम सभा इन द डिस्ट्रिक्ट शैल पे, जो भी ग्राम सभा होगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो पे करेगी टू द कलेक्टर को एनुअली, मतलब साल में एक बार सारा का सारा पैसा जो है, ग्राम सभा जो आपने गांव के अंदर देखी थी वो सारा पैसा इकट्ठा करके डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर को देंगी साल का इकट्ठा करके, सच डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सच कंट्रीब्यूशन नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू द गांव फंड। यानी कि एनुअली जो देंगे वो सच जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए 25% से ज़्यादा ऑफ द टोटल अमाउंट, मतलब उनका जो टोटल अमाउंट जितना भी इकट्ठा हुआ है उसका 25% से ज़्यादा नहीं देंगे वो गांव फंड का। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और ये बताई गई है कि द फंड शैल बी अप्लाइड टू, फंड किस पे अप्लाई होगा, क्या किस लिए काम आएगा, द पेमेंट ऑफ फीस एंड अलाउंसेस ऑफ द पैनल लॉयर्स। ये फंड का पैसा जो है अगर आप अलाउंसेस और पैनल लॉयर्स जो हैं वहाँ के उनको पेमेंट देने के लिए यूज़ करेंगे, या फिर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस जो भी इनकर्ड किए जाएंगे इन कनेक्शन विद सूट्स, जो भी कोई केसेस अगर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं या अदर प्रोसीडिंग जो हो रही हैं और बाय और अगेंस्ट ग्राम सभा, मतलब ग्राम सभा के अगेंस्ट या ग्राम सभा के द्वारा अगर कोई काम किया जा रहा है, प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो उनके लिए ये पैसा यूज़ किया जाएगा, और द फंड मैनेजमेंट कमेटी के लिए किया जाएगा डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, फंड मैनेजमेंट कमेटी की के लिए किया जाएगा इन सब कामों के लिए। नेक्स्ट में बताया है डेवलपमेंट ऑफ लैंड्स ऑफ कॉमन यूटिलिटी, मतलब जो भी डेवलपमेंट का काम है गांव के अंदर वो सारा उसके लिए भी ये फंड यूज़ किया जाएगा। फिर लास्ट है इसका अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई काम बोला है गांव के अंदर करने के लिए तो वो ग्राम सभा का पैसा सारा तो उस चीज़ में यूज़ किया जाएगा एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो आपको कंसोलिडेटेड गांव फंड की भी डेफिनेशन और गांव फंड की भी आई थिंक समझ आ गई है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, मैं नेक्स्ट एक डेफिनेशन और बता रही हूँ एग्जाम पर्पज़ के लिए ज़रूरी है, ये है इंटरमीडियरी की। ठीक है, इंटरमीडियरी की डेफिनेशन जो है सेक्शन 4 सबसेक्शन 24 के अंदर यूपी रिवेन्यू कोड 2006 में दी गई है। इसमें बोला है इंटरमीडियरी का मतलब होता है मिडलमैन, इंटरमीडियरी मतलब बिचौलिया जिसको हिंदी में बोला जाता है वो होता है मिडलमैन, बिचौलिया। वो ये ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अ पर्सन बिटवीन द कल्टीवेटर एंड द स्टेट जमींदार, मतलब स्टेट की तरफ से जो जमींदार होता है या कल्टीवेटर होता है जो किसान जो खेती करते हैं, खेत में फसल काटते हैं, फसल बीज बोते हैं, जो काम करते हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच में एक मीडिएटर के टाइप का होता पर्सन होता है। ठीक है, या तालुकदार होते हैं या जागीरदार जो होते हैं एक्सेट्रा। सेवरल वर्ड्स आर यूज्ड फॉर इंटरमीडियरी, मतलब तालुकादार भी बोल सकते हैं या और भी कई नाम होते हैं इनके, जागीरदार भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडियरीज जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं रेंट्स फ्रॉम द टीनेंट्स, वो जो इंटरमीडियरी हैं वो किराएदार जो होते हैं, मतलब जिन्होंने रेंट पे ले रखी होती है ज़मीन, उनसे रेंट इकट्ठा करते हैं और एंड पेड सम पोर्शन ऑफ इट टू द गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट को देते हैं इन द शेप ऑफ लैंड रिवेन्यू, वो इनसे कलेक्ट करके रेंट जो है वो गवर्नमेंट को लैंड रिवेन्यू की फॉर्म में दे देते हैं। ठीक है, जमींदार जो होते हैं वर टैक्स गैदर्स नॉन कल्टीवेटिंग
बट ऑनर्स ऑफ द लैंड, जमींदार जो होते हैं वो टैक्स को इकट्ठा करते हैं, कर कर इकट्ठा करने का काम करते हैं, वो कल्टीवेटर्स नहीं होते हैं, क्योंकि खेती करने वाला जो होता है वो किसान होता है, जमींदार जो होते हैं वो ज़मीन को किराए पे देते हैं, ठीक है। जमींदार जो होते हैं वो मालिक होते हैं ज़मीन के। अंडर द यूपी जमींदारी एक्ट एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर क्या है, इंटरमीडियरी जो है विद रेफरेंस टू एनी एस्टेट मीन्स, मतलब इसके रेफरेंस में इंटरमीडियरी का मतलब होता है प्रोपराइटर, अंडर प्रोपराइटर, सब प्रोपराइटर, परमानेंट लीजी इन अवध या परमानेंट टेन्योर होल्डर एंड ठेकेदार ऑफ सच एस्टेट और अ पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको कि इंटरमीडियरी बिचौलिया होता है जिसका काम होता है जमींदारों से पैसा लेकर, मतलब जमींदारों की ज़मीन पे जो लोग किराया रेंट पे जिन्होंने ले रखी है उनसे पैसा इकट्ठा करके गवर्नमेंट को रिवेन्यू फंड में ट्रांसफ़र करवाना, उनका काम होता है बिचौलियों का। तो ये इंटरमीडियरी की डेफिनेशन थी। तो आज मैंने आपको चार इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई, एग्रीकल्चरल ईयर क्या होता है, बोर्ड क्या है, गांव फंड और कंसोलिडेटेड गांव फंड क्या है, और इंटरमीडियरी क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं एग्जाम पर्पज़ के लिए, आपको लिखनी हो तो आप नोट्स बना सकते हैं इनके, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।